तो दोस्तों हम लोग इस वक्त अभी राजिम में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आज अच्छी खासी वर्षा हो रही है, पानी गिर रहा है बहुत। और अभी त्रिवेणी संगम है जो कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, वो महानदी के पानी में डूब चुका है। और ये देखिए सामने है महानदी का पुल और हम लोग यहाँ राइट साइड से जाएंगे कुलेश्वर महादेव मंदिर की ओर और उस तरफ आपको ले चलते हैं और दिखलाते हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ तक चढ़ा है। क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि कुलेश्वर महादेव मंदिर में पानी आ चुका है चारों तरफ से, और मंदिर के अंदर तो पानी नहीं जाता लेकिन उसके चारों तरफ पानी भर चुका है और महानदी में आ गया है बाढ़। और हम लोग हैं अभी राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर की ओर जा रहे हैं, तो बने रहे मेरे चैनल पे, कंटिन्यू देखते रहें, आपको मैं दिखलाता हूँ कुलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और अगर शायद लक्ष्मण झूला चालू होगा, क्योंकि कभी कभी बाढ़ आता है तो बंद कर देते हैं, अगर चालू होगा तो मैं आपको लक्ष्मण झूला से भी नज़ारा दिखलाता हूँ महानदी का। ये देखिए दोस्तों महानदी का पुल आ चुका है कुलेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले रास्ते में, और आप नज़ारा देखो पूरा लबालब भरा हुआ है महानदी, आज शानदार लग रहा है। और इस तरफ भी आप लोग देख सकते हो, वो देखिए कुलेश्वर महादेव बचा हुआ अभी बीच में रेत दिख रहा है, इतना अभी पानी नहीं है अभी। यहाँ पर पानी ओवरफ्लो बह रहा था, यहाँ पर ये जो नाला है छोटा सा ये पूरा पैक था, यहाँ तक पूरा घुटने तक पानी बह रहा था। वो वाला घर भी जो दिख रहा है वो डूब चुका था बाढ़ के पानी में, वो वाला घर भी डूब चुका था। इस बार आया है बाढ़ का पानी लेकिन थोड़ी दूर तक आया है, वो वहाँ पर जो कार बह रहा है वहाँ तक। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपनी बाइक खड़ा करते हैं, बहुत लोग आए हुए हैं देखने के लिए और चलते हैं अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संत ध्रुवे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम लोग कुलेश्वर महादेव मंदिर के पास, और ये देखिए कुलेश्वर महादेव मंदिर जाने का रास्ता है। और आज राजिम में हो रही है झमाझम बारिश, अभी थोड़ा सा कम है, बूंदाबांदी हो रहा है, लेकिन जब हम लोग घर से निकले थे बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। और अभी त्रिवेणी संगम में बाढ़ आया हुआ है, मतलब पानी उतना फ्लो नहीं है लेकिन एटलीस्ट वो मंदिर के चारों तरफ पानी आ चुका है और लक्ष्मण झूला भी चल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, आपको दिखलाते हैं कुलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी कराते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो महानदी का बाढ़ का नज़ारा है वो भी हम लोग अपना लक्ष्मण झूला से दिखलाते हैं। तो बने रहे मेरे चैनल पे, कंटिन्यू वॉच करें, और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बैल आइकन भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अंदर और मंदिर और महानदी के बाढ़ का नज़ारा देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये है गेट और यहाँ अभी गेट को बंद कर दिया गया क्योंकि कई लोग बाइक को अंदर पार्क कर देते हैं, ले जाते हैं, इसीलिए सिर्फ पब्लिक जाए इसीलिए कम खोला गया है गेट को, ताकि नहीं तो पिछले बार क्या था कि यहाँ तक सब बाइक ले आए थे अपनी, पूरा ये रोड ना जाम हो चुका था बाइक से। और ये हम आ चुके हैं राधा कृष्ण मंदिर के पास, ये है चिरंजीवी श्री लोमेश ऋषि आश्रम। और यहाँ पर है महादेव जी का मंदिर, और ये है राधा कृष्ण मंदिर, और ये है लक्ष्मण झूला जाने का रास्ता कुलेश्वर महादेव का। तो चलिए चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। तो दोस्तों ये है द्वार, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से अंदर लक्ष्मण झूला में और आपको दिखलाते हैं नज़ारा। और यहीं पर आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें लगी हुई मिल जाएंगी, आप चाहे तो मंदिर के लिए यहाँ से प्रसाद ले जा सकते हैं। और ये है महानदी का नज़ारा, अभी इतना पानी नहीं आया है कि पूरा, नहीं तो क्या होता था ये जो एरिया है यहाँ तक पूरा पानी आ जाता था। और अभी सावन भी चल रहा है, महादेव जी के दर्शन के लिए सभी आ भी रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग
लक्ष्मण झूला में। और लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से आपको नज़ारा दिखला देता हूँ। ये देखिए, नहीं तो पिछली बार क्या होता था, यहाँ तक पानी भरा रहता था और ये जो है मंदिर की पूरी सीढ़ी पैक हो जाती थी लगभग। तो इस बार अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा जिस हिसाब से पानी गिर रहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन लक्ष्मण झूले में। और मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ झूले में, और दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ झूले में क्योंकि मैं जब भी आता था लक्ष्मण झूला कंप्लीट नहीं हुआ था, तैयार नहीं हुआ था, और मेले के समय भी शायद बंद था ये। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और आप देख सकते हो पीछे का नज़ारा बहुत ही शानदार। और हम लोग भी पानी टपक करके रेनकोट पहने ही हुए हैं, अभी रेनकोट नहीं खुले हैं क्योंकि हम लोग को अभी आगे और जाना है। और ये सीधा जाता है राजीव मंदिर की ओर, जो आगे है राजीव मंदिर। अभी बस बचा हुआ नदी भरने के लिए। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा महादेव जी का मंदिर, ये देखिए। और बीच में रेत दिख रहा है, भी बहुत भरना बचा हुआ है, उस पुल से तो हम लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग मंदिर। ये है मंदिर जाने का, और आप सीधा जाओगे तो ये राजीव लोचन मंदिर जाता है। और अच्छी खासी भीड़ भी है क्योंकि आज संडे है और बहुत सारे लोग आज पिकनिक मनाने निकले हैं घूमने के लिए। YouTube चैनल है? हाँ, कौन सा? संतोष ध्रुवे करके है। संतोष ध्रुवे, हाँ ठीक, सब्सक्राइब करो आएगा बढ़िया। और यहाँ से नज़ारा देखो लक्ष्मण झूला का, कितना शानदार लग रहा है। अपन मंदिर दर्शन करने के बाद उधर जाएंगे दोस्तों आगे, क्योंकि मेन झूला तो वहाँ से स्टार्ट है, जो ब्रिज है सस्पेंशन वाला। ये तो अभी सस्पेंशन नहीं है, ये तो पूरा हार्ड है। और यहाँ पर अपना जूता चप्पल अपन निकाल लेते हैं फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको मंदिर के चारों तरफ व्यू दिखला देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अंदर चलेंगे मंदिर के और फिर मैं आपको दर्शन कराता हूँ कुलेश्वर महादेव जी के। और आप महानदी का व्यू देखिए यहाँ से, कितना शानदार लग रहा है। और ये रास्ता है, पहले हम लोग मेला के समय इधर से आते थे नीचे नीचे, अभी तो पूरा पानी से भरा हुआ है। श्री विष्णु जी, श्री गंगा जी, श्री यमुना जी। और दोस्तों अभी आरती चल रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग महादेव जी के दर्शन कराता हूँ मैं इस सावन में। हर हर महादेव।
चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अब यहाँ से। दर्शन हो चुके हैं महादेव जी के, अब उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे महादेव। और यहाँ पे दोस्तों कुलेश्वर महादेव जी का दर्शन हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं लक्ष्मण झूला में आगे और आपको वहां से नज़ारा दिखलाता हूं मैं, जहां जो सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है लक्ष्मण झूला का वहां से। तो चलिए उधर ही चलते हैं फिर हम लोग। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मेन जो सस्पेंशन वाला ब्रिज है लक्ष्मण झूला वाला, ये एक्चुअली क्या पूरा है लेकिन हम लोग जो सस्पेंशन वाला ब्रिज है उसमें पहुंच चुके हैं। और आप देखो कितना मस्त लग रहा है यहाँ से नज़ारा महानदी का, कितना शानदार है। तो दोस्तों हम लोगों ने कुलेश्वर महादेव जी का दर्शन कर चुके हैं और साथ ही साथ लक्ष्मण झूला भी घूम चुके हैं। तो आज का ब्लॉग अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन से मंदिर का देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।